Hi everyone, welcome back. तो आज मैं आप सभी के साथ में एक बार फिर से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये फिर से मुझे कहने की जरूरत है कि हर दिन की जो सुबह की शुरुआत होती है या फिर दिन खत्म होता है वो अलग तरीके से होता है। तो यार आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले पानी पिया, जो कि हर रोज मैं ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर अपने बॉटल्स को लेके मैं नीचे जाती हूँ और इन एम्प्टी बॉटल्स को फिल कर लेती हूँ, अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ ताकि मेरा रूम क्लीन हो। अगर रूम क्लीन होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अच्छा और प्रोडक्टिव फील होता है। कोशिश यही रहती है रोज की कि मैं जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाऊं, तो आज ये पॉसिबल हो पाया है, काफी अच्छा लग रहा था। और इसी टाइम पे मैंने चाय भी पी लिया था, सुबह की चाय ठंड में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सनराइज देखना ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक लेजी इंसान हूँ। तो अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसी के साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए अगेन मैं पानी पीने वाली हूँ, क्योंकि पानी बार बार पीना पूरे दिन में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं 50% वाटर टारगेट मॉर्निंग में ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। कमरे में कुछ गंदगी पड़ी हुई थी तो उसको मैंने बाहर फेंक दिया। अभी ना आपके साथ में मैं अपनी स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में कभी कभी करती हूँ, मतलब कह लो तो वीकली स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग वाली आपके साथ में। ये एक स्क्रबर है जो कि मैंने मीशो से लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसको मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए कभी कभी यूज़ करती हूँ जब ये मेरे सामने पड़ जाता है, लेकिन ये अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है, एक्सफोलिएट कर देता है। ये ना नॉर्मल वाटर है, मैं टोनर स्प्रे नहीं कर रही हूँ, टोनर के बॉटल में मैंने पानी भर के रखा है। इसको बहुत ही जेंटल आपको अपने स्किन पे रब करना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टूल ऑन माई स्किन फॉर रिमूविंग ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स। ये मैंने मिस्टर DIY से लिया हुआ था, आपको इजीली कहीं भी मार्केट में मिल सकता है। ऑनलाइन लोगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा महंगा मिलेगा, और आपको इजीली ये मिल जाता है मार्केट में, तो आप मार्केट से ही लेना। अब यहाँ पे ना मैं अपने ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स को हटा रही हूँ, और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम टच वुड मुझे बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी है मैं इसको कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम रिमूव कर दूँ ताकि ये ज़्यादा बढ़े भी ना। जिस भी दिन हफ्ते में मुझे ये सारे काम करने होते हैं मैं मॉर्निंग में ही करके इनको ख़त्म कर देती हूँ, इवनिंग पे नहीं छोड़ती हूँ, वरना पूरा दिन अनप्रोडक्टिव हो जाता है और जो टास्क होते हैं पूरे दिन के ना वो एकदम उथल पुथल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है ना, तो आप एक कपड़े को गर्म पानी में भिगाओ और अपने जहाँ जिस एरिया में ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम है उस पर थोड़ी देर के लिए रखो और हल्का हल्का रब करो, उसके बाद आप इस टूल को यूज़ करो तो वो और ज़्यादा इजीली रिमूव होंगे। इसको मैंने ट्राई करके भी देखा हुआ है किसी और के ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार ट्राई करना, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, कॉमेंट बॉक्स में आके बताना। ये है मिस्टर DIY का रेजर, साथ में पतंजलि जो कि हर एक दुकान पर मिल जाएगा वो वाला एलोवेरा जेल। इससे मैं अपने स्किन के फेशियल हेयर्स को हटाने वाली हूँ, आप देख सकते हो थोड़े से हेयर्स बढ़ चुके हैं, मैं एकदम जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी स्किन पे एलोवेरा लगाऊंगी ताकि स्किन पे ये ग्लाइड हो सके। और स्किन को ऐसे ही आपको कभी भी रेजर से नहीं, मतलब रेजर अपने स्किन पे ड्राई स्किन पे नहीं यूज करना है, आपको अपने स्किन पे एलोवेरा जेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के ही रेजर यूज करना है, वरना आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मैं पील ऑफ मास्क यूज करती हूँ, यूजुअली मैं गुड वाइब्स का चारकोल पील ऑफ मास्क यूज करती हूँ, लेकिन आज मैं एवर यूथ का ये पाउच वाला यूज करने वाली हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। पील ऑफ मास्क यूज करने से स्किन पे जितनी भी गंदगी होती है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाती है। कभी कभी अगर आपको थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स या फिर कोई भी गंदगी आपके स्किन पे चिपकी हुई है वो भी हट जाती है, तो इंस्टेंट आपके स्किन पे एक आपको ग्लो देखने को मिलता है, आपकी स्किन थोड़ी सी शाइन करने लगती है। और अगर आपको किसी फंक्शन पार्टी में जाना है ना, उस दिन आप इसको करके उसके बाद मेकअप करोगे तो सच में आप ना एकदम अच्छा वाला फील करोगे, आपको लगेगा स्किन आपकी ग्लो कर रही है। तो अगर आप किसी फंक्शन में जाने से पहले फेशियल या फिर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आपको इंस्टेंट कुछ ग्लो चाहिए अपने स्किन पे, तो पील ऑफ मास्क इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, एक बार ट्राई करना, मैं तो ऐसा कई बार कर चुकी हूँ। और इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला होता है। और अभी मेरे स्किन पे थोड़ी से एक्ने हैं तो उन पे मैं वर्क कर रही हूँ, अभी मैंने अपने स्किन केयर को कंप्लीट करने के बाद जो CTM रूटीन है वो किया, मतलब ये सारी चीजें पील ऑफ मास्क लगाने के बाद
बाद टोनर लगाया, उसके बाद मैंने अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाया, और ये सब कुछ करने के बाद मैं चली गई थी चाय पीने, जहाँ पे मैं रोज जाती हूँ। तो मेरे मॉर्निंग की जो आज की शुरुआत थी, मैंने मेरे मॉर्निंग में आज जो जो कुछ भी किया आपके साथ में शेयर किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ देखने को मिले। बाय।